जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो साथियों, इसके पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जो बच्चे वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जाकर के देख ले, क्योंकि उसमें हम इंग्लिश की बेसिक टर्म्स की बात कर ली थी। ये जो हमारा ये इंग्लिश ग्रामर क्लास फर्स्ट है, बिल्कुल नए अंदाज में पढ़िए, ठीक है। ये चीज जो दिखाई दे रही है आपको, ये आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस चलते हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपको साथियों ऐप पे चलते हैं, एप्लीकेशन पे, ठीक है। जिसकी प्राइसेस 16 नवंबर तक 199 थी, फिलहाल अभी 499 हो गई है, ठीक है। इसकी पूरी प्राइस देखी जाए तो 999 है, अभी ऑफ चल रही है, 50% अभी ऑफ मिल रही है, ठीक है। 499 यानी कि 499 रुपये में आपकी, यानी 499 499 रुपये में अभी आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जाकर के अगर चाहते हो, लगता होगा कि हाँ मुझे कुछ इंग्लिश में सीखना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत सारे रीज़न है। मैं आपको बताऊँ, जो रीज़न बताना चाहूँ तो बहुत सारे रीज़न बता सकता हूँ। जैसे मैं देखो कि YouTube पे होता क्या है साथियों, समझ लो थोड़ी सी बात, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। YouTube पे बहुत सारे ऐड आने लगते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, बदतमीज बच्चे होते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं पढ़ने के लिए आए ही नहीं होते, वो मतलब और वो क्लास का जो माहौल होता है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बैच हमारा चल रहा था, सोचा था मैं बिल्कुल कोई चार्जेस ना लूँ। देखो यहाँ पे चार्ज इसलिए ले जाते हैं एप्लीकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, यहाँ पे हमें ऐप वालों को भी पैसा देना होता है, ठीक है, बहुत सारा कुछ होता है। यहाँ पे मैंने क्या सुविधा फ्री, अभी क्या सुविधा दूंगा एप्लीकेशन में, आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, साथ ही आपको 300 के आसपास में, लगभग 300 के जो क्या बोलते हैं, आपको एक स्पेशल ग्रुप में रखा जाएगा, एक स्पेशल ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आपको डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आप डाउट्स भेज सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा आपको, ठीक है, इनको जो ऐप में इनरोल होंगे। साथ ही साथ उनको और क्या क्या मिल सकते हैं, बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है उनको, कोई बुक के लिए अलग से चार्जेज उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें मिलती है। अब जाकर के चेकआउट करना, हम पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे साथियों, सेंटेंस तक आ चुके थे हम लोग, क्या आया था साथियों, हम लोगों ने सेंटेंस तक की बातें हम लोगों ने कर लिया था साथियों। सेंटेंस क्या होता है, हमने बातें कर लिया था साथियों कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चल हमने बातें किया था साथियों कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस के हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि द ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग एंड इट हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंटेंस। जिसके पास कंप्लीट मीनिंग हो, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, साथ ही कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्या बात सीखी थी, कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट भी उसका प्रॉपर आना चाहिए, कंटेक्स्ट उसका प्रभाव इफेक्ट भी सही आना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। हमने बचपन से पढ़ते आया है साथियों, एक चीज हमेशा देखते हैं, हमने अभी तक कभी कोई भी बच्चा होता है ये चीज जरूर फील करता है कि सेंटेंस के पास साथियों, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस के पास यही तो होता है, हम लोग के पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, यही तो होता है। बट मुझे ये भी नहीं पता हो कि सब्जेक्ट जो होता है पहले वर्ड होता है कि क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है या कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, हमें पता ही नहीं है, देन कैसे फाइंड करोगे। तो हम ये चर्चा पर, ये बातें तो सबको जानता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है या तो वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद भी और कोई वर्ड होते रहते हैं, उसके बाद भी कोई और अदर वर्ड होते हैं। तो हमें ये चीज नहीं पता है कि सब्जेक्ट भी होता है, कि वर्ब भी होता है, कि ऑब्जेक्ट होता है। हमें और भी जड़ से काम करें, हमें और भी बेसिक टर्म्स से आपके साथ काम करना होगा, क्योंकि मैं मान के ये चलता हूँ कि आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेसिक, कहीं ना कहीं जीरो लेवल उनकी वीक है, तभी वो प्रीमियम बैच को ज्वाइन करने की चाह रखे होंगे या ज्वाइन किए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी बेस कमजोर होगी। अगर हम उनके बेस पे थोड़ा बहुत काम कर देंगे ना, तो वो थोड़ा और अच्छा कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि मुझे ये भी नहीं आता, तो हम कैसे समझेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता, वर्ब कौन होता, ऑब्जेक्ट कौन होता, कंप्लीमेंट कौन होता, ठीक है। तो बारीकी से देखना थोड़ा, आज क्या बताऊँ, चलो क्लास को देखते चलो।
मुझे नहीं पता है, आप जब भी कहीं सेंटेंस बनाते होगे तो सेंटेंस में एक चीज पाइप फाइंड करते होगे कि एक वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है, फिर एक और वर्ड लिखा होता है सेंटेंस में। हमें नहीं पता कोई सब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें वर्ड के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे लिखा आई गो टू पटना, मुझे नहीं पता ये भी एक वर्ड है, क्योंकि मैंने बताया था एक वर्ड का भी, एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है। ये भी आपका वर्ड है, ये भी आपका वर्ड है, ये भी वर्ड है। हमें नहीं पता है कि सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट, नहीं पता है मुझे। मुझे लेकिन पता है कि ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। और मुझे पता है कि वर्डों का समूह हो जिसका कंप्लीट मीनिंग हो और उसका कंटेक्चुअली कुछ मतलब हो और उसका स्ट्रक्चर भी सही हो, तब उसे सेंटेंस कहते। लेकिन मुझे नहीं पता है कि सेंटेंस तो है, मुझे ये पता चल गया क्योंकि आपने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, आई नो। बट सर मुझे ये नहीं पता कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ रहता है, सब्जेक्ट कितने नंबर पे होता है, सब्जेक्ट होता कौन है, मुझे नहीं पता सर वर्ब क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे वर्ब है, कैसे फाइंड करेंगे प्रीपोजिशन है, ये चीज नहीं पता है मुझे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो बना था शुरुआत टर्म में किस बेस पे बना था, ये मुझे जानना है। क्योंकि आप जीरो लेवल इंग्लिश पढ़ रहे हो तो शून्य से आपको आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हर क्लास में आपको शून्य से सिखाया जाएगा, नहीं, 5 क्लासेस 6 क्लासेस शून्य से हो सकता है, लेकिन जब आप 8वीं 9वीं क्लास में जाएंगे, यानी कि जो मेरा लेक्चर नंबर 8 9 10 देखेंगे, तो वहाँ पे आपको जो कंसेप्ट होंगे वो 7वां 8वां से होगा, ना कि 0 से। तो इस चीज़ों को बारीकी से देखना, क्योंकि तभी जाके आप उसके आगे काम कर पाओगे। चलो, मैंने कहा कि देखो सेंटेंस में वर्ड वर्ड होता है, हमने समझा ना, यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाया। तो मान लो एक वर्ड था यहाँ पे, फिर भी एक और वर्ड था, और वर्ड था, लेकिन चलो मान लो एक और वर्ड था, मान लो डॉट 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 बहुत सारा वर्ड था, मुझे नहीं पता कितना वर्ड था इसके बाद, आई डोंट नो वट एवर देयर देयर इज ए वर्ड, मुझे कितना भी वर्ड मुझे नहीं पता। बट तो कैसे समझो कि वो सब्जेक्ट है, समझो। केस नंबर फर्स्ट इसको लिखो, केस नंबर फर्स्ट, दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो, कैसा आप सुनो पहले बारीकी से, दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो उसका जो सब्जेक्ट होता है, जो पहला वर्ड ही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब बहुत सारे ज्ञानी टीचर भी जुड़े होंगे, बहुत सारे ज्ञानी हमारे स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, जो कहेंगे सर आपने बोला पहला वर्ड ही क्या होता, सब्जेक्ट होता है। तो मुझे बताइए, इज ही गुड ए बॉय, यहाँ पे सर इज तो पहला लेटर, क्या सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है? देखो अब मेरे साथियों, मैं बता दूँ, मैंने प्यार से कहा कि पहला लेटर ही सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। जब भी आप किसी सेंटेंस करते हो, फॉर्म करते हो, सबसे शुरुआत टर्म में सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, आपका जो सेंटेंस स्टार्ट फॉर्म में, किसी भी ट्रांसलेशन करते हो, किसी भी हिंदी से इंग्लिश करते हो, ट्रांसलेशन जब भी करते हो, ठीक है, समझो कि कभी भी उसका ट्रांसलेशन करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है? तो वो असर्टिव में रहता है, यानी कि अफर्मेटिव में रहता है, असर्टिव भी बोलते हो, तो बहुत सारे बच्चे असर्टिव बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे अफर्मेटिव बोलते हैं, तो वो कौन सा फॉर्मेट में रहता है, अफर्मेटिव में। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जब भी अफर्मेटिव में सेंटेंस हो, जो मूल रूप हो उसका, जो वास्तविक रूप होगा, तो उसका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो पहला लेटर ही होगा। देखो इसका अगर आप अफर्मेटिव बनाने के प्रयास करोगे तो यही ना होगा, ही इज अ गुड गुड बॉय, यही ना होगा, तो ही आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, पहला लेटर ही सब्जेक्ट होता है, समझ रहे हो ना, पहला लेटर ही सब्जेक्ट होता है। ये चीजों का आपको दिमाग में थोड़ा सा पुट आउट करना होगा, तभी जाके समझ पाओगे। आज कोई नहीं, ये वो नहीं समझ में आ रहा ना, पहला लेटर तो यहाँ से तो समझ ही जाओगे कौन सा क्या होता है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे पहला लेटर होता है वो सब्जेक्ट होता है, बहुत सारा वर्ड है कोई मतलब नहीं है, जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। जब दूसरा वर्ड दिखाई देता है वो क्या होता है साथी, वो वर्ब होता है। फिर इसके बाद जो तीसरा वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आएगा, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बताना चाहती हूँ, जब आप कोई बच्चा 18 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 20+ भी होंगे, कोई छोटे बच्चे होंगे, तो मुझे बताना, जब आप 15 साल 18 साल 20 साल में इंग्लिश को नहीं सीख पाए थे, तो मैं शशि कुमार आपको 20 मिनट में या 40 मिनट में अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। हाँ, लेकिन पेशेंस और धैर्य
और कॉन्फिडेंस बना के रखोगे, अपने आप पे बिलीव करोगे, तो डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि आप जरूर सीख जाओगे। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे से दोस्तों, समझ रहे हो, एक दिन में सोचोगे कि आकर के तूफानी कर दो, कुछ नहीं होता, उसके लिए समय देना पड़ता है। तो समझना बारीकी से, वर्ड होता है, वर्ड होता है, वर्ड होता है। तो पहला जो वर्ड होता है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, फिर वर्ब में रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। कभी ऐसा भी हो सकता है, देखे हो ना, कभी ऐसा भी देखे होगे कि दो ही वर्ड का सेंटेंस होता है, दो ही वर्ड का सेंटेंस होता है। कभी कभी सेंटेंस क्या होता है, 10-20 वर्ड का होता है। तो हमें लास्ट वर्ड से मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाला वर्ड से मतलब नहीं है, हम तीन को ही लेकर चलेंगे। एक पहला सब्जेक्ट ले लो, वर्ब ले लो, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ले लो। फिर मान लो कोई ऐसा भी सेंटेंस होता है दो वर्ड का होता है, कैसा होता है, दो ही वर्ड का होता है, तो जो पहला वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो वर्ब होता है। प्यार से समझना, बारीकी से समझना, फिर से बताऊंगा नहीं आए तो। फिर तीसरा आता है हमारा, कहीं कहीं ऐसे भी देखे होंगे साथियों मेरे कि एक ही वर्ड का सेंटेंस, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिट डाउन, गो देयर, कीप साइलेंट, डोंट मेक इन, डोंट मेक इन तो बहुत तरह हो गया, फ्रेज में रूप में आएगा, गो, सिट, अप, डांस। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एक एक ही वर्ड है ना, तो एक ही वर्ड का भी क्या होता है, सेंटेंस होता है। क्या होता है साथियों, एक वर्ड का भी आपका कभी कभी सेंटेंस होता है। तो जो एक वर्ड वाला वो वर्ड होता है वो आपका साथियों होता है वर्ब। तो आपका माइंड में ये आना चाहिए, क्या सर, विदाउट सब्जेक्ट आई यू कैन इमेजिन ए सेंटेंस, विदाउट सब्जेक्ट कैन वी फॉर्म ए सेंटेंस, क्या बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस बना सकते हैं, दिमाग में आना चाहिए। उससे पहले देखो, एक दिमाग होगा थोड़ा बहुत भी आपके पास तो एक चीज देख रहे होगे, यहाँ भी वर्ब था, केस टू में भी वर्ब था और केस थ्री में भी वर्ब था, केस वन में भी वर्ब था, केस टू में भी वर्ब था, केस थ्री में भी वर्ब था। तो माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं वर्ब जो है हर जगह आ रहा है, कहीं ना कहीं वर्ब वर्ब हर जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आएगा नहीं भी आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट भी एक जगह हिडन हो गया था, एक ही वर्ड का था, लेकिन दिमाग में ये आना चाहिए सर भारत तो हर जगह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज आना चाहिए इसमें, जो सेंटेंस में जो मेन रोल निभाता है वो किसका होता है, मेन कौन निभाता है, वर्ब। जैसे घर में आपका दादाजी मेन रोल निभाते हैं ना, उसी तरह ये सबका फैमिली के दादा हो, ये क्या बारन दादा, ये मेन रोल निभाता है। तो एक चीज माइंड में आना चाहिए कि वी कांट इमेजिन ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, हम लोग सेंटेंस की इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं किसके बिना, वर्ब के बिना, वर्ब के बिना हम लोग सेंटेंस की इमेजिन नहीं कर सकते, क्या वी कांट इमेजिन साथियों, भाई इमेजिन तो बात सोचने की बात भी नहीं कर सकते भाई, वर्ब नहीं, तुम्हारे सामने मैंने इसको पोल खोल दिया, इसकी राज खोल दिया, भाई राज कोई नहीं बताता बहुत जल्दी, लोग जानते हैं लेकिन बचा करके रखते हैं, पता नहीं क्यों बचा करके रखते हैं खुद का। मेरे गुरु जी हैं, उनसे मैंने सीखा था, बट कुछ अपना भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो वर्ब के बिना हम किसी सेंटेंस का इम्प्लीमेशन यानी कि उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते, वर्ब यहाँ भी था, ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो कि वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, अरे लिख लो ना, वी हम लोग कांट इमेजिन नहीं कर सकते हैं ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। देखो साथियों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, देखो साथियों पेज कोर्स की बैच है, यहाँ पे कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है, मुझे उन्हें प्यार से सिखाना है, उन्हें एक एक डाउट भी क्लियर करना है, मुझे लाइक शेयर व्यू के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उन्हें डाउट्स भी क्लियर करना है, तो प्यार से पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे वर्ब क्या थे हमारे, बहुत जरूरी थे सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ब की बहुत नीड होती है अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो। फिर आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर क्या हम बिना सब्जेक्ट की सेंटेंस बना सकते हैं क्या, क्या कैन वी फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, मेक नहीं, मेक बनाना खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, फॉर्म यानी कि उसकी रूप तैयार करना,
तो हम क्या सेंटेंस के जो फॉर्म है क्या तैयार कर सकते हैं बिना सब्जेक्ट की? माइंड में ही आपकी क्वेश्चंस आना चाहिए, ठीक है, माइंड में आपकी क्वेश्चंस आना चाहिए। बताओ क्या पॉसिबल है ये चीज़ें? बता दो साथियों, पॉसिबल है तो देखो, तो माउस हटाना पड़ेगा यार, सब कुछ बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। बताओ क्या आप इमेजिन कर सकते हो तो मुझे बता दो, जल्दी कर सकते हो। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? तो मेरा आंसर आएगा, देखो ये चीज समझ में आया ना, ये समझ में आ गया ना। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं इसको ऊपर कर दूं फिर इसे नीचे ला सकता हूं। आप इस फॉर्मेट को नोट कर लो, मैं आपको एक या दो मिनट की समय देता हूं, ठीक है, इसे नोट कर लो। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लग जाएगा, आपकी कृपा होगी तो बहुत जल्द हम लोग सेनाइजर की माइक भी ले रहे हैं, आज लगभग 4 से 5 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। वो चंदन सर की कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो उनसे हमारी माइक नहीं आती, आज ही आने वाली थी, चलिए कोई नहीं। तो डिजिटल भी, डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द लग जाएंगे, आप लोग की दुआ होगी तो। चलिए ये चीज नोट कर लेना, चलो ये नोट रखना चाहिए, फिर उसके बाद हम लिखवा वो भी लिखना है, ठीक है। एक एक चीज़ों को नोट करना है, मैं टाइमिंग भी दूंगा आपको नोट करने के लिए। चलो ये चीज़ें फिर से मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा, क्या था हमने आपके एक माइंड में डाला, एक चीज़ तो हम समझे कि भाव के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है बनाना, ठीक है। ये चीज़ें नहीं पढ़ना था लेकिन मुझे आपको जड़ से सिखाना था इसलिए बताना पड़ा, ठीक है। अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं आता, ये कहीं भी नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, सब फॉर्मेट नहीं रहता, कहीं भी बुक भी देख लेना नहीं रहता, बट आप पे किए हो ना, आपकी ये कृपया भी हम लोग लेते हैं ना, तो हमारे लिए दायित्व बनता है कि आपको वो चीज़ें सिखाऊँ जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते होंगे। हमने बोला कि इज इट पॉसिबल पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस इज इट पॉसिबल फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट विदाउट अ सब्जेक्ट। चलो अरे यार भाई लिख जा जल्दी। चलो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि हम एक सेंटेंस का निर्माण कर ले किसके बिना, सब्जेक्ट के बिना? क्वेश्चंस आपके माइंड पे, ये क्वेश्चंस पहला, इसके आंसर बताओ आप लोग, कमेंट करके बता दो मुझे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जल्दी से भाई बता दें, अभी यूट्यूब पर 2-3 तक क्लास चलेगी, जल्दी बता दीजिए क्या होगा, क्या यहाँ पे इसका आंसर यस या नो में देना बस। चलो बहुत खूब, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर दिए, भाई देख रहा है यहाँ बिहार मोबाइल में देख रहा है यार, यस भाई यस कैसे हो सकता है भाई? देखो मेरा बात मानोगे तो नेवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनाना, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है भाई, कभी नहीं हो सकता। इसके रीजन समझो ना, इसके रीजन मैं समझाऊंगा ना आपको। बच्चे कमेंट कर रहे भाई कैसे सर जी, अरे भाई सिखा रहा हूँ तो समझो तो पहले। नेवर, कभी नहीं बना सकते हो विदाउट सब्जेक्ट, वी कांट इमेजिन सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट की इमेजिन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं बना सकते हो, कैसे बन सकता है भाई? जब बोलते हो गो देयर, किसको बोलते हो आप गो देयर? जाओ यहाँ से, गो वहां जाओ, वहां जाओ, किसको बोले? सामने कोई व्यक्ति खड़ा था, देखो यहाँ पे मान लो मेरे सामने मोहन नाम का लड़का, हम लोग कहते हैं गो देयर, यानी कि इसको बोल रहे हैं। आपको पहले पर्सन आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों? पर्सन। तो देखो ये चीज समझो, पहली बात ये दिमाग में रख लो कि हम लोग सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते, फिर उसके बाद बता रहा हूँ क्यों नहीं बना सकते वो भी समझाऊंगा। थोड़ा बहुत डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत दिक्कत होती है साथियों, बिना डिजिटल बोर्ड का पढ़ाना मानो तो एक मुश्किल सी लगती है। आ जाओ छोटे फॉर्मेट में समझा देता हूँ। देखो पर्सन समझते हो कि नहीं समझते हो, किस किस को पर्सन आता है, किस किस को नहीं आता? चलो जिसको नहीं आता समझ जाओगे। एक तो होता साथियों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दिख रहा ना, थर्ड पर्सन, सब में होता है सिंगुलर और प्लूरल। चलो छोटा सा कुछ कंसेप्ट का सीख लो। देखो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, यू आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है,
डॉट 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 नाउन आता है, ठीक है। इसमें आ जाता साथियों आपका दे एंड प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। दे एंड प्लूरल नाउन होते हैं। अब देखो जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है साथियों बताओ, सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर होता है। इसे रिसीवर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको रिसीवर भी बोलते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है बताओ, थर्ड पर्सन कौन होता है, अबाउट टू सेड जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे देखो मैं अभी कुछ भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सेंटेंस का इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं किसके बिना, सब्जेक्ट के बिना। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। आप मेरी बातों को सुन रहे हो, प्यार से समझ रहे हो, देख रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हुए। क्या हुए, लिसनर हो, मेरी बातों को प्यार से सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन हुए। तुम यूँ मतलब क्या होता है, तुम या आप, तो आप अभी क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या हुए, लिसनर हुए, सेकंड पर्सन हुए। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है, नाउन है, और ये थर्ड पर्सन होगा। सिंगुलर प्लूरल अलग बात है, वो अलग चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर समझो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन अबाउट टू शेयर जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है। समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, सभी के कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करो, बहुत प्यार प्यार घर कमेंट करो जल्दी। बहुत खूब, कैसे नहीं हो सकता सर, कैसे बताओ, कैसे नहीं हो सकता है। अच्छा जी, स्माइलिंग ना दिया करो। चलो ये चीज़ समझ में आ गई ना, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अबाउट टू शेयर जिसके बारे में कहा जाए। इसकी काम आएंगे, यहाँ पे भी काम आएंगे ना। देखो साथियों सर कब लगवाते हैं डिजिटल बोर्ड, हम क्या बोले, बिना डिजिटल बोर्ड का समझाना साथियों बहुत पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल ही हो जाता है। अभी बहुत सारा देखो बना कर रखा हूँ आप लोगों के लिए, देखो क्या बना कर रखा हूँ, देख रहे हो ना, ये बना कर रखा हूँ आपके लिए। अभी नहीं पढ़ना है उसको, लेकिन पढ़ना है बट अभी नहीं, समझो। हमने क्या बताया कि सेंटेंस के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर समझ जाओगे कैसे नहीं करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बन सकते कैसे। जैसे मैंने बोला गो, जा, किसको बोलते हैं गो, किसको बोलते हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति होगा तभी तो बोलेंगे ना। हम जैसे बोला जाओ, हमारे सामने कोई व्यक्ति हो जो हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है तभी तो वो जाएगा ना। जैसे मैंने बोला गो देयर, गो टू स्कूल, गो देयर, वहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है। जैसे मैंने बोला गो, इसको बोल रहा हूँ गो देयर, यहाँ प्लेस है, यहाँ प्लेस है, तो ये आएगा यहाँ पे। ये सुनने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सुनने की काम कर रहा है। तो हमने क्या बतलाया था, लिसनर क्या कर रहा है, ये लिसनर है। और लिसनर कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन में क्या होता है साथियों, आपका यू ही तो होता है, तो बताओ यू आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। साथियों इंग्लिश को आप जिस लेवल से खेलते हो ना, मैं जाल बहुत अच्छे तरीके से बिछाता हूँ, मुझे पता है जाल कैसे बिछाना, आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको समझना होगा, प्यार से समझना होगा कि सब्जेक्ट रहता है बट कैसा होता है, हिडन फॉर्म में होता है, हिडन फॉर्मेट में होता है, वो छिपा हुआ रहता है। अब देखो ना मूवी वो मिस्टर इंडिया, भाई छिपा हुआ रहता है लेकिन काम सब कर रहा है, छिपा रिश्ता। अब प्रधानमंत्री हर जगह थोड़ी ना आते हैं भाई, एक बार ऑर्डर दे दी उनका काम हो रहा है, प्रोसेस जारी है, जो उनके बाकी सब दिखाई नहीं देते, काम वही करवाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अरे वो मूवी नहीं देखे हो कि ऐसे रहता है इनडायरेक्ट वे में, ये इनडायरेक्ट वे में यू है, यहाँ पे कोई रिसीवर है, कोई लिसनर है तभी तो। जैसे हम कहते हैं सिट डाउन, जैसे मैं ये मान लो, जैसे मेरे एक स्टूडेंट मोहन है, मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाएगा, ये सुना तभी तो बैठा। सुनने वाला होता कौन है, लिसनर होता है मेरे दोस्त, स्पीकर कौन होता, मैं स्पीकर हूँ, बोल रहा हूँ उसको बैठने के लिए, तो बेचारा बैठ जा रहा है, बैठ जाएगा। जैसा ही कहें मोहन सिट डाउन, नाम नहीं लेंगे, कहेंगे सिट डाउन, जैसे खराब आ गलती कर लेगा, ठीक है गलती किया क्लास में, हमें उसको बैठाना है, कहेंगे ठीक है क्वेश्चन पूछ ले चार पाँच गो, कहेंगे सिट डाउन, सुट देना बैठ जाए, तो सुन लग तुम नहीं बैठ लग, ये कानों में सुन ले बा, फिर बैठ गई लग, जब सुना तो बैठा,
तो सुनने वाला क्या होता है, लिसनर होता है ना मेरे दोस्तों, यही बतला रहा हूँ कि जो सुनने वाला होता है लिसनर होता है। और हमने बताया लिसनर कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन होता है बताना ज़्यादा, पर्सन अभी सिखाया ना जस्ट पीछे, तो पर्सन सेकंड पर्सन में यू, दो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यू ही होते हैं। यू क्या हो जाएंगे आपको यहाँ पर छिपल बा, दिखाई नहीं खे दे जाला, छुपर उस्तम बा, लुकायल बा, यू लुकायल बा, लेकिन काम करता। तो आपका जो सब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट वे में भी सब्जेक्ट रहता है, दिखाई नहीं देता लेकिन सब्जेक्ट रहता है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो, समझ गए ना, समझ में आया ना कि सब्जेक्ट कैसे रहते हैं। सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, हिडन फॉर्मेट में होते हैं। अरे साथियों हिडन फॉर्मेट में कब रहता है देखो, ये भी समझ लो थोड़ा सा। और बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें बाउंस कर रहा है। बाउंस करेगा बाबू, एक पहली क्लास तो देखे नहीं हो, बाउंस करेगा नहीं तुम्हें, बाउंस करेगा मुझे पता है, आ जाएगा समझ में मेरे प्यारे दोस्त। बस इस वीडियो को दो बार तीन बार देखना, ठीक है। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ साथियों, इतने प्यार से तो मैं ऑफलाइन में भी अपने प्यारे स्टूडेंट को नहीं समझाया था जितने प्यार से आप सबको समझाता हूँ। चलो मैंने ये बतलाया कि देखो ये हिडन कहाँ रहता है, इम्परेटिव सेंटेंस समझते हो, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिडन रहता है। अरे बाबू तू थोड़ा अच्छा से हो जाना यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। चलो यहाँ पे हिडन रहता है क्या, यू, यू क्या होता है, हिडन होता है। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, सीट डाउन, बैठ जाओ, तो किसको बोले, कोई व्यक्ति सुन रहा होगा खानवा से तब ना बैठेगा। आर्मी को जो ऑफिसर होता है कहते ना स्टैंड अप, तो सारा फट से खड़ा हो जाता है, फट से खड़ा होते तो स्टैंड अप, सुन रहा है। सुनने वाला क्या होता है, तो लिसनर होता है। और लिसनर कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता आपका, यू होता है। तो जी V1, सीट क्या है, V1 है, ऑब्जेक्ट डाउन, सीट डाउन, सिट डाउन एक ही में वर्ड है यार, सिट डाउन एक ही वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड है, तो सिट डाउन V1 है, सिट 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 का सिट ही होता है। तो सिट डाउन जस्ट छोड़ो, वो नहीं समझ में आ रहा, सिट डाउन तुमको नहीं समझ में आया मुझे पता है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा क्योंकि इसका V1 V2 V3 एक ही होता है। आ जाओ जैसे देखो, खाली स्थान, गो देयर, वहां जाओ, गो क्या है, V1 है, देयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसको बोले थे, कोई व्यक्ति मेरी बात सुन रहा तो वही ना जाएगा, गो देयर, वहां जाओ। देखो टाइमिंग पे नहीं जाना, आपका टाइम कितना लग रहा है, सीखने में फोकस करो, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन टाइमिंग। आपको समय पे ध्यान नहीं देना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है, आप सीखने के लिए आए हो। ऐसे तो किताबों में हजारों सोल्यूशन पड़े हुए, हजारों डेफिनेशन पड़े हुए, कुछ नहीं होगा, समझना मैंने क्या मतलब। V1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो इम्परेटिव होगा, और हिडन एक ही जगह, सब्जेक्ट हिडन एक ही जगह रहता है, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कहते सब्जेक्ट है नहीं ना, अरे पगला सब्जेक्ट है तो ध्यान से देखेगा तब ना, तो देख तो ध्यान से, सब्जेक्ट रहता है लुकायल रहता है, तुमको थोड़ी ना पता चलेगा। बहुत सारा हम जब पढ़ाते थे वहाँ पे अपने गाँव में, तो ऐसे था, कहता सर इसमें सब्जेक्ट भी नहीं, तो सब्जेक्ट रहता है भाई, तुमको देखने का नजरिया चेंज करना है। जो चश्मा है ना, तुम दूसरा चश्मा पहन लियो, थोड़ा चश्मा को चेंज करके पहन लोगे ना, थोड़ा दूसरा चश्मा, तब तुमको दिखाई देगा। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मल आँख से देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, हाथों में के अंदर का जो होता है छोटका छोटका कोश का वाला, लेकिन वही जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सब अंदर वाला भी दिखाई देता है। तो उसी तरह तुमको चश्मा चेंज करना है, थोड़ा सा यानी कि लेवल थोड़ा सा डीप में जाना होगा, थोड़ा और समझना होगा विस्तार से, तो समझ जाओगे। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हिडन रहता है, क्या रहता है, हिडन लिसनर, और लिसनर आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बोले तो यू, आपका जो यू है ना ये बेचारा छुप के काम करता है, छुपर उस टाइप की तरह। ये समझ में आ गया कि नहीं मुझे बताओ, ये हिडन एलिमेंट वाला समझ में आया कि नहीं। तो आपका केस क्या इलाज हुआ, आपका केस क्या इलाज हुआ, मैंने उतने देर से जो बताया वर्ड वर्ड करके क्या क्या इलाज हुआ, आप बताओ मुझे, सब हटाओ।
तो सेंटेंस में आपका कितने तरह के स्ट्रक्चर अराइज हुए, अब इतने सारे चीज पढ़ा दिया मैंने आपको, इतना टाइम लिया था, क्या क्या सीखे आप सेंटेंस में? सेंटेंस में ये सीखे कि सर एक बार तो ऐसे भी हो सकता है कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। पहला केस तो ये आ गया। दूसरा केस ये आया हमारा सर कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा। तीसरा केस ये अराइज हुआ सर जी मेरा कि वर्ब रहेगा लेकिन हिडन फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। हिडन फॉर्मेट में क्या रहेगा, एक लिसनर रहता है लुकाइल, ये दिखाई नहीं देता है। तो कौन कौन केस अराइज हुआ, एक तो पहला ये अराइज हुआ, दूसरा ये अराइज हुआ, तीसरा ये, तीन ही फॉर्मेट होते हैं सेंटेंस के। अब नेगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव ये सब अलग फॉर्मेट हो गए, वो तो उसकी नेचर हुआ। बट सेंटेंस के जो फॉर्मेट होते हैं, कितने वर्ड के हो सकते हैं सेंटेंस, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर बच्चे यही याद करके रख देते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अरे भाई ये भी एक भारत का भी सेंटेंस होता है, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो जाता है ना। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, था लेकिन कैसा था, लुकाइल था। हमने इसको देख लिया, चश्मा बदल के देखा तो हो, जब चश्मा इसको हम चेंज किए तो देखे कि अच्छा जी यू लुकाइल था लेकिन सब्जेक्ट था, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट था बट वो दिखाया के नहीं चाह कहा था कि हम बदलाव नहीं हो जाए, अगर हम सामने आएंगे तो हम बदलाव हो जाएंगे, तो फिर सब कोई जान जाएगा कि हम इसी के तरह हैं। जब कहता है कि जो है ना हिडन फॉर्मेट, कहता है कि हम सामने आ जाएंगे ना तो इसके तरह हो जाएंगे, हमको इसके तरह नहीं रहना, हमको लुकाइल रहने दीजिए, हम ठीक है लुकाइल है। तो यही बात है कि आपका तीन फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट या वर्ब, एक रहता है वर्ब। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं साथियों। क्या नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? अरे गधा भाई, इतना प्यार से समझाया फिर भी नहीं आया, तब तो तुमको जाना पड़ेगा कहीं और। अच्छा जी चलो, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया तो आगे कुछ सिखाना है आपको, आ गया ना। चलो ये मिटा दूं, चलो रहने देता हूँ, आ जाओ फॉर्मेट में आ जाओ। देखो मुझे इसको दिखाने से पहले आपको कुछ और दिखाना है, आ जाओ कुछ और क्वेश्चंस कर लेता हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे उलझे और परेशान रहते हैं, ठीक है। देखो साथियों, उस समय आपको लगता होगा कि सर बहुत आराम से बता रहे, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट आई फील दैट कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये महसूस कर देते, उन्हीं की जो फीडबैक कहते हैं ना, फीडबैक लेते हुए अपने आप में कितना मेहनत किया हूँ कि धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं जानता हूँ। यहाँ तक मेरे सर जो है, मेरे सर जो सीनियर राजकुमार सर कहते थे, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो चलिए, बहुत फास्ट बोल लेते हो, थोड़ा स्लो चलिए। तो कितना मेहनत किया हूँ मैं जानता हूँ, कितना स्लो बोलने के लिए, ये तो मैं ही जानता हूँ, तो आप इसके लिए वरी नहीं होना। चलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सर इसका टाइप्स बता दीजिए, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा यहाँ कर दूँ ताकि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से और कर पाए। चलिए टाइप्स बताइए, इसका टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस का टाइप्स कितना है? एसर्टिव, चलिए एसर्टिव होता है, चलो तुम्हारे अनुसार मैं लिखते चल रहा हूँ, तुम सब कमेंट करते हो जाओ, मैं लिखते जाऊँगा। एसर्टिव होता है, भाई कमेंट तो धासे धासे आ रहे हैं, बताओ 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 टाइप्स बताओ। नेगेटिव ही होता है, बाप रे नेगेटिव ही होता है, चलो मान लिया तुम सबको। नेगेटिव ही होता है, चलो आगे बताओ 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 तुम सबको। बताओ भाई मैं देख रहा हूँ तुम सबको। चलो देखो भाई कमेंट गजब गजब आ रहा है, करा कि अफर्मेटिव होता है,
कुछ मेरा कमेंट पता क्या किया है कि सर जी इंटरोगेटिव भी होता है, लो सब लिख दे रहे तुम्हारे लिए। ठीक है, कुछ क्या कमेंट किया है, इंटरोगेटिव के बाद क्या किया है, एक्सलामेट, एक्सलामेटरी भी होता है भाई, लो सब तुम्हारे जो बोलोगे मैं लिखते जा रहा हूँ, फिर उसके बाद पूछूंगा। पॉजिटिव, ओहो गजब, बहुत धासु धासु बच्चे जुड़े हुए हैं। और क्या बताए, हाँ बताओ और क्या क्या हो सकता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। क्या बताओ, चलो बताऊंगा, और बताओ क्या क्या हो सकता है सेंटेंस का टाइप्स में। अपटेटिव, लो अपटेटिव भी डाल दिया, और कुछ भी होंगे बता दो। इम्परेटिव छूट गया, ओ इम्परेटिव छूट गया, वो बच्चे तो नाराज हो जाएंगे। लो इम्परेटिव भी डाल दिया, और भी कुछ को डाल लेना। ठीक है, क्या यही टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, इज इट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्या यह टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। हाँ कुछ बच्चे कर रहे हैं कमेंट के, सर सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मुझे बताओ क्या ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ईमानदारी से प्यार से कमेंट करके मुझे बता। ये बहुत ज्वलनशील क्वेश्चन है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंसे के फंसे रह जाते हैं, समझ रहे हो ना, ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फंसाने वाला ये टॉपिक है, कि बच्चे इसी में उलझे रह जाते हैं कि सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो मेरा होगा असर्टिव होगा, नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंपेरेटिव होगा, कौन सा टाइप्स ऑफ सेंटेंस होगा, एक्चुअल में होगा तो कौन होगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या ये होगा, सिंपल होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा तो कौन होगा। भाई कमेंट करो, सबकी कमेंट दिख रहा है भाई यहाँ पे, मैं देखते रहता हूँ बार बार, मतलब नजर उधर ही रहते थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ आप लोगों का कमेंट, सबकी देखता हूँ। एप्लीकेशन वाला भी बताते रहना, ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, कमेंट सबकी देखते रहता हूँ, एप्लीकेशन से भी आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, डाउट जो देख रहे हैं एप्लीकेशन पे। चलो बताओ क्या यही होंगे टाइप किए होंगे, भाई बहुत सारे बच्चे करे ये होंगे, बहुत सारे बच्चे करे ये होंगे, मैं बताऊं हो गई सबकी, भाई कहीं एक जगह वोट गिरा लिया करो भाई, किसी को सीट बनने ही नहीं दोगे भाई, भाजपा कांग्रेस की चुनाव नहीं हो रही है, ठीक है, कि कुछ इधर जा रहे हो कुछ उधर जा रहे हो। चलो देखो, थोड़ा बहुत मस्ती भी होना चाहिए, देखो प्रॉपर मायने में देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये तीन ही होते हैं, एक होता है आपका सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं, ये जो इतने दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ होंगे आपके हिसाब से, वो नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं, नेचर ऑफ सेंटेंस। अब नेचर ऑफ सेंटेंस बताने का तात्पर्य क्या है, मन में आना चाहिए कि सर मैंने तो बहुत सारे बुकों में देखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, तो देखो प्रैक्टिकली करके देखो ना, मैं थ्योरेटिकली क्यों जाओगे, प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग से सोचो, थोड़ा गौर से सोचो। जब हम बोलते हैं मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो नहीं खाना मेरा स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं वाओ क्या बात है, ये क्या है, हमारे अंदर से एक नेचर, एक सौ एक नेचर से अंदर से एक फीलिंग पैदा हुआ, हम अपनी बातों को नेचर में कैसा नेचर में रिप्रेजेंट किए। कहाँ गया भाई, एक्सक्लेमेटरी में रिप्रेजेंट किए, ठीक है, हमने अचानक अपना वो व्यक्त किए,
जैसे हम लोग कहते हैं क्या कर रहे हो भाई तुम, क्या कर रहे हो, तो उसके नेचर के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में उसका नेचर क्या है, तो वो कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो जवाब देगा कुछ नहीं कर रहा हूँ नहीं वाला, तो वो निगेटिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा। कहने का मतलब है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं होते, ये उसकी स्वभाव, उसकी नेचर, कुछ डाउट्स हो आपके मन में, वो सारे चीज़ें पूछने के लिए हम इन फॉर्मेट को यूज करते हैं, उसे नेचर ऑफ सेंटेंस फॉर्मेट में रखते हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते साथियों तो ये नहीं है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। एंड आप अपर लेवल के जब बुकेस देखोगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये नहीं रहते, ये ही रहते हैं। जैसे आप उठा लो एडियंट का बुक उठा लो, बड़े बड़े बुक उठा लो, वो नहीं रहते मेरे हिसाब से। अगर आपको कहीं लगता होगा कि बच्चा का बात क्यों मान, वाई, मन में आना आएगा आपको, मुझे पता है कि मेरा सकल ही बचपन बच्चा के जैसा है, आई नो वेरी वेल। तो ये जो आपके होते हैं नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं, ये जो होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, आपको मानना है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा भाई, सत्य बात है, ऐसा नहीं है। ये जो होते हैं नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं, क्योंकि हम जब कोई बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, ये मेरा स्वभाव कैसा था, अफर्मेटिव में था, सकारात्मक था, मैं नहीं खाता हूँ, ये मेरा कैसा स्वभाव, नकारात्मक स्वभाव था, ठीक है। नकारात्मक प्रथम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट क्या था, मैं नेगेटिव में स्टेटमेंट था, जैसे क्या तुम करते हो, आप क्या तुम करते हो, क्या था, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट था हमारा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, नेचर ऑफ सेंटेंस होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यही तीन होते हैं, क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस तीन यही होते हैं, समझ गए ना। चलो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो कि टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, नोट करो जल्दी, एप्लीकेशन वाला भी भाई जल्दी से नोट कर ले, जल्दी ही नोट करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना, टाइम नहीं लगाना है। चलो आ जाओ, ये डाउट्स रहते हैं बहुत सारे बच्चे, हम भी कंफ्यूज थे बचपन में, हम भी इसी को मानते थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन जैसा जैसे पढ़ा, जैसे जैसे सीखा अकॉर्डिंग टू टाइम, तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये नहीं होता है एक्चुअली। चलो और एक एक चीज़ों को नोट करना, ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना, दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स अपनी नोट्स होती है, खुद की नोट्स दुनिया की हजार नोट्स से बेहतर होती है। अगर नोट्स से ही समझ में आ जाती तो आज हमारे पास आप कोर्स खरीदने के खरीद के जुड़ने नहीं आए होते, ठीक है, आप एप्लीकेशन में नहीं पढ़ रहे होते, बुक में सब कुछ दिए होते, हिंदी में बढ़िया तरीके से लिखे हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी माइंड जो इतना सुनने में विश्वास करती है उतना बाकी चीज़ों में नहीं करती है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रही होगी बात। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड हम भोजपुरी में बोल देते। देखो साथी, मैं बिहार से हूँ तो बिहारी लैंग्वेज आ जाती है, तो इसके लिए कोई हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, किसी को बुरा लगता होगा तो, लेकिन देहाती लैंग्वेज में आसान तरीके से सीख जाते हो। चलो हम आपको सेंटेंस सिखाने से पहले, कहते हैं ना कि घर बनाने से पहले उसकी जो क्या बोलते हैं, घर बनाने से पहले चारों तरफ वो देते हैं ना बाउंड्री टाइप से, क्या कमेंट करो ना साथ में, क्या बोलते हैं उसको, घर बनाने से पहले चौतरा टाइप का होता है ना कुछ, भाई घर बनवाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी घर बना था मुझे भूल गया उसे क्या बोलते हैं, नहीं याद है। चलो घर बनाने से पहले हम लोग उसकी बनहानी करते हैं ना चारों तरफ से, समझ लो ना, चारों तरफ से जैसे एक ईंट हो जाता है, कुछ उठा ले तो इतना पड़ ले, कुर्सी, हाँ कहते ना कुर्सी दिया जाता है घर का, कुर्सी दिया जाता है एक, तो उसी तरह सेंटेंस सीखने से पहले हमें इसका छोटा सा भाई पढ़ना होगा जिसका नाम होता है क्लॉज, क्योंकि क्लॉज आ जाएगा तो सेंटेंस आसानी से सीख जाओगे, क्लॉज आ जाएगा तो सेंटेंस आपके लिए एक कप चाय की समान हो जाएगी, करोगे सीख जाओगे, तो पहले क्लॉज सीखना पड़ेगा। चलो आपके लिए पहले ये देख लो कितने टाइप्स के क्या होते हैं, ये चीज़ आपको आना चाहिए और तभी जाकर काम बनेगा। देखो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आपके स्क्रीन पर लग गए होंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसको सीखने से पहले आपको क्लॉज आना चाहिए, मन में क्लॉज आना चाहिए, ठीक है, क्लॉज आपको आना चाहिए,
मन में आना चाहिए क्लॉज होता क्या है, क्वेश्चन आना चाहिए ना क्लॉज होता क्या। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को क्लॉज कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को क्लॉज कहते हैं। बच्चे का कमेंट आ रहा है, अब देखो मेरे सामने आ जाओ, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, चलो ये भी बता दो मुझे, क्लॉज के टाइप्स बता दो। चलो क्लॉज तो समझ गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के मिलन को क्लॉज कहेंगे। अब किसी बच्चे का माइंड में ये भी होगा कि सर क्लॉज अगर दो गो होगा, सब्जेक्ट अगर दो गो होगा और वर्ब भी दो होगा तो क्लॉज कितना होगा, तो दो क्लॉज होगा, क्लॉज कितना हो जाएगा दो। अगर सब्जेक्ट 50 गो है और वर्ब भी 50 गो है तो जो क्लॉज होगा वो 50 गो क्लॉज होगा। ये माइंड सेट क्लियर कर लेना, ये माइंड सेट में जो अभी की डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब दो क्लॉज, तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब तीन क्लॉज, 50 सब्जेक्ट 50 वर्ब 50 क्लॉज, 200 सब्जेक्ट 200 वर्ब 200 क्लॉज। समझ गए, समझ में आ रहा हो तो बताओ, ये चीज़ का डाउट्स नहीं रहना चाहिए। सर क्या पता दो सब्जेक्ट आ जाए दो वर्ब आ जाए तो क्या होगा, भाई बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं ना भाई, उनके माइंड है भाई कुछ भी सोच सकते हैं। अब चलो इसका टाइप्स बता दो, कोई बच्चे मुझे इसका टाइप्स बता दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, इसके टाइप्स बता दो मुझे कोई, इसके टाइप्स बताओ, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को मैं कमेंट देख रहा हूँ। चलो बताओ भाई, लिखा हो फॉर्मेट में दे दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, मैं बताऊंगा, बट आप लोगों की भी तो जानू ना, आप लोगों को क्या क्या आता है, तभी तो मैं उस लेवल पे काम करूंगा ना। बहुत खूब बहुत अच्छे बात है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो दो टाइप्स के होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मेन क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। समझ गया, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, कितने दो, और क्लॉज सीख जाओगे तो सेंटेंस सीख जाओगे, क्लॉज आ गया तो सेंटेंस आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे आपका टाइप इसका लिखा हुआ है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज ही बोलते हैं, जिसे मेन क्लॉज मैंने बोला ना, जिसको मेन क्लॉज बोला उसे प्रिंसिपल क्लॉज, देखो वहाँ पर मेन का स्पेलिंग गलत हो गया है, उसे बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक। और क्या बोलते हैं, एक को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, दूसरा जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। तो साथियों टाइम की हमारे साथ पाबंदी होती है, लिमिटेड ऑफ टाइम होती है हमारे साथ, 1 आवर्स की टाइम मिलती है, समझ रहे हो ना, उसी में सारे काम हम लोगों की करनी होती है। तो मुझे लगता है कि टाइम शायद ओवर हो रही है, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम था वो ओवर हो चुकी है, तो क्लास को शायद यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ चलो, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो तो बच्चा आप ज्वाइन ENG लिख करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर चाहते हो और भी कुछ तो अभी नहीं बता सकता, सर से कुछ और कुछ बता सकता हूँ, बट कोर्स को ज्वाइन कर लेना अगर चाहते हो वाकई में कुछ पढ़ना लिखना। हाँ जिनको मैथ्स नहीं आती होगी ना, बिल्कुल मैथ्स में 0 होंगे, वो सर की कोर्स है, जाकर के वहाँ प्राइसेस देख लेना, वहाँ भी 40-50% अभी ऑफ चल रहे हैं कुछ दिन के लिए, फिर हट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैं दीपावली में नहीं ले पाया, सर ऐसे था वो था पूजा था पाठ था पता नहीं क्या क्या, तो उनके लिए फिर से अभी ऑफर चल रही है, जाकर के ज्वाइन कर लेना, अभी कुछ ऑफ चल रही है, ठीक है। तो जिनको मैथ्स नहीं आती होगी वो भी ज्वाइन कर सकते, जिनको इंग्लिश में इंग्लिश अभी नहीं आता वो भी जाकर ज्वाइन करें, सबके लिए हम लोगों ने काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। तो बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, और अपने दोस्तों को बताइए कंटेंट के बारे में कि किस लेवल पर पढ़ाई हो रही है, कितनी प्यार से बताया जा रहा है, एक एक टॉपिक्स को बताया जाता है। डिजिटल बोर्ड होता ना तब देखते मैं किस लेवल से पढ़ाता और अच्छी तरीके से बता सकता, लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं है, कोरिलेट करने में दिक्कत हो रही है, बहुत मेहनत होता है, देख रहे ना पसीना छूट गया है।
तो वो चीज़ें होती है साथियों। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, हम लोग भी मजबूर है अपना, आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो सब कुछ प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ेगी। तो जीरो लेवल मैथ जाकर ज्वाइन कीजिए और बेसिक इंग्लिश जो ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।